वीडियो में यह बात करने वाले हैं, अगर आपके पास बाइक है कितनी भी पुरानी है, अगर नई भी बाइक है उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको फिर से इंश्योरेंस कैसे नया ले सकते हैं, वो भी कम दामों पर। यही बताने वाले हैं जिस सिचुएशन में आपका बाइक जैसे चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो कभी किसी का, तो आप इस सब में आपको क्लेम करना होगा तो आपको पैसा कंपनी देगी बहुत ही कम दामों में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको फ़ोनपे पे जाना है, फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर कोई भी सवाल जवाब है तो आपको कमेंट करके बता देना है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कोई भी सवाल हो तो। चलिए फ़ोनपे को ओपन करते हैं। फ़ोनपे ओपन होते तक आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अभी फ़ोनपे को ओपन करना है आपके फ़ोन में। अगर फ़ोनपे है तो आप यहाँ से इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, आप यहां से नया इंश्योरेंस कर सकते हैं। आप फोन पे पेज खोलेंगे तो सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिंक दिखेगा, क्विक लिंक। आपको यहां पर देखना है बाइक इंश्योरेंस से, बाइक इंश्योरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। बाइक इंश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आपके पास इंश्योरेंस अदर बाइक का कराना है, अपने बाइक का कराना है, तो दो मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक कंप्लीट करके रखा हूँ, बस रिज्यूम कराऊँ अभी रोक के रखा हूँ। तो चलिए हम आपको बताने के लिए कुछ नया करके दिखाते हैं। अगर आपके पास नंबर प्लेट है, बाइक का नंबर है, तो यहाँ पे बाइक का नंबर डाल सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास नंबर याद, आपको नंबर याद नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट रिमेम्बर योर बाइक नंबर, आपको यहाँ पे डोंट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, आपका जो भी बाइक रहेगा उसको चूज़ कर लेना है। जैसे मेरे पास अपाची DLX है तो 150cc, तो ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप बाइक कब रजिस्टर करवाए थे, 2019, 2009, 2008, 2020, आपको कभी भी कराएं तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ अपनी सिटी का नेम चूज़ कर लेना है, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ तो मैं यहाँ पे इलाहाबाद यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है इलाहाबाद में। फिर आपके पास यहाँ पूछेगा हैज योर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर, आके आपके पास जो एक्सपायर हो चुका है पॉलिसी वो आपके पास है, अगर एक्सपायर वाला पॉलिसी है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे वीक यूज कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल में ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लान आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, 268 रुपये में आपको मिलेगा यहां पे प्लान। आपको बेनिफिट हम बता दे रहे हैं आपको क्या मिलेगा ऑफर में, ऑफर प्रोटेक्शन ओनली योर टू व्हीलर्स अगेंस्ट डैमेज एंड डिप्ट एंड यू ऑलरेडी एक्टिव थर्ड पार्टी पॉलिसी। देखिए यहां पे ये कहना क्या चाहता है, अगर आपके किसी सिचुएशन में बाइक चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी आपको इसका क्लेम देगी। चलिए यहां भी बेनिफिट पे देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे देखिए डैमेज टू डू फायर, मैं ऐसे पूरा नहीं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बस मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। बाकी आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं पूरा अच्छे से और डिटेल से वीडियो कैसे क्या किया जाता है तो आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे डैमेज टू यू नेचुरल क्लेम, अगर आपके बाइक का कुछ डैमेज हो चुका है तो उसको भी क्लेम कर सकते हैं, आपको कंपनी देगी। देखते हैं यहाँ पे चोरी हो जाएगी तो वो भी कंपनी देगी। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, बैक करके जाते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट प्लान कर लीजिएगा, आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऑनर डिटेल्स का आपको अपना यहाँ नाम भरना है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस भरना है, जो भी आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर होगा वो दे दीजिएगा, बाइक नंबर दे दीजिएगा, रजिस्टर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा जब भी आप करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंजन नंबर डालना है, 5 डिजिट का होता है। यहाँ पे चेचिस नंबर आपको डालना है, वो भी आपको वो बता दे, इंजन नंबर एंड चेचिस नंबर आपके कॉपी में इंश्योरेंस वाली में मिल जाएगा, आपके पास एक बाइक होगी। आई हैव अ बाइक लोन, अगर आप बाइक लोन पे लिए तो यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, अगर अपने खुद से पूरा पैसा दे कर लिया है तो यहाँ पे ऑफ ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस इंश्योरेंस नंबर डालना होगा एंड प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालना होगा, आपके कॉपी में सारा चीज़ लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप यहाँ चाहते हैं हैव यू मेड क्लेम लास्ट पॉलिसी पीरियड, आप यहाँ पे अगर यस करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नो करना है तो नो ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव TF पॉलिसी डिटेल्स, यहाँ पे आपको पॉलिसी एंड इंश्योरेंस नेम वोम डालना है, इंश्योरेंस किसके नाम पे था वो सब इसमें करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, बाकी यही रहा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड से तो आप कमेंट करके बताइएगा, एंड आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें। चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं।